as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली से खिताब, कहा फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, दुनिया तमाशाई बनी है। गज़ा में नस्ल कुशी पर मबनी जंग और यूक्रेन में ख़तरनाक लड़ाई जारी है। हम फ़लस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पर एक बड़ा अलमिया रूनमा होते देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात की तलावत से किया। अक़्वामे मुत्तहिदा के मेंबर मुमालिक को कहा, खामोश तमाशाई ना बने। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फौज के हाथों पर नहीं, इन ममालिक पर भी है जो आवाज़ नहीं उठा रहे। गजा में मुजालिम को आगे बढ़कर रुकवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने इसराइल और भारत को ललकार कर उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी का हक अदा कर दिया। गज़ा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला के रख दिया। नहते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज़ शरीफ ने फ़लस्तीन को अक़्वामे मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, इसराइल को अपनी जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली है। वज़ीर आज़म ने सहूनी जारहियत की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इकदाम खत्म करे। भारत के ओछे हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने वादे कर दिया। कहा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। आबादी का तनासब तब्दील करने की मजमूम कोशिश हो रही है। गैर मुकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब पर पाकिस्तानी वफद का जनरल असम्बली से वॉकआउट। पाकिस्तानी वफद को जाते देख कर दीगर कई ममालिक के वफूद भी एहतजाजन ईवान से बाहर चले गए। ज़ालिम इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली में शोर शराबा जारी रहा। मिस्टर नेतन्याहू, इस जंग को फौरी रोको। जनरल असम्बली में सल्वेनिया के वज़ीर आज़म का खिताब, कहा, खून रेजी बंद करो, मसाइब को रोको, यरगमालियों को घर वापस लाओ और कब्जा ख़त्म करो। रॉबर्ट गोलोब ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया जब सल्वेनिया 1 सितंबर को अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत हासिल कर चुका है। रॉबर्ट गोलोब ने कहा, सलामती कौंसिल गजा, यूक्रेन या सूडान जैसे बड़े तनाज़ात का मौसर जवाब देने में नाकाम है। कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है। तकरीबन 4 माह गुजरने के बाद भी गजा में जंगबंदी और यरगवालियों की रिहाई के हवाले से कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान को बैरूनी अमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान अब भी फितना अल-खवारिज की दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा, 100 से ज़्यादा तरक्की पज़ीर मुल्क कर्ज़ों के चुंगल में है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर है। मौसर पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है।
आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का कराची का दौरा। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने अनवुस्टा इंडस आईटी पार्क का इफ्तिताह भी किया। आईटी सनअत के फरोग के लिए इकदाम पर रोशनी डाली। कहा आईटी पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह और उमायदीन की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची के ताजिर बरदरी से भी मुलाकात की। मईशत की बेहतरी में ताजिर बरदरी के तआवुन को सराहा। ताजिर बरदरी ने मईशत के फरोग के लिए SIFC के किरदार को सराहा। कौमी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के जरिए मुबादला के जखायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल। रकम की मुंतकली से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। मुल्क में महंगाई की शरह भी कम होगी। मखसूस नशस्तों का मामला अभी तक हल ना हो सका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की वजाहत पर नजरसराई दरख्वास्त दायर। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में सदा मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सोलह नशस्तें जीतने वाली हुकूमत आइनी तरमीम नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम की राह में दीवार होगी। ये आर्टिकल 63 को निशाना बना रहे हैं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा PTI मुत्तहिद है, कोई रुकन हुकूमत के हक में वोट नहीं देगा। हुकूमत का साथ देने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। उधर PTI वुमेन विंग की सदर कंवल शोजिब की क्यादत में खवातीन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। PTI का रावलपिंडी में आज भरपूर एहतजाज का फैसला। पुलिस के भारी नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। पुलिस ने लियाकत बाग के मरकजी गेट को ताले लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। रेंजर्स भी तैनात। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के तमाम अहदेदारों को टास्क सौंप दिए गए। अरकान असम्बली अपने हल्कों के कारकुनों को रावलपिंडी पहुँचाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी को नून लीग से तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। अपोजिशन में रहकर सिस्टम चलाने के लिए नून लीग का साथ देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर मुस्लिम लीग नून से नाला। एक इंटरव्यू में कहा वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे के सतह पर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने की तजवीज़ देंगे। मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। अब यह इनके लिए मुनासिब नहीं कि वो रोज़ गुजारिश करेंगे कि आए मीटिंग करें। भारी भरकम बिजली बिलों से जान छुड़ाने का मिशन। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरा ताहम मरहले में दाखिल हो गए। IPPs मालिकान की अक्सरियत का मुआहिदों पर नजरसानी पर आमादगी का इजहार। कुछ तैयार नहीं, हुकूमत ने नजरसानी पर तैयार ना होने वाले IPPs के खिलाफ सख्त मौकफ अख्तियार करने का फैसला कर लिया। वडेरा शाही ने लोगों का खून बहाया। जागीरदाराना सिंध असम्बली में मौजूद इनकी औरतें NGO चला रही हैं। जो लोग मुल्क का खून चूस रहे उनका खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। वज़ीर आला पंजाब की सुबह भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हदायत। मरियम नवाज ने कहा स्कूलों की सफाई की सूरत हाल पर भी नजर रखी जाए।
पंजाब हुकूमत का कूड़े करकट को ठिकाना लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स बनाने का फैसला। दो शहरों में 4,50,89,00,000 की लागत से 2 लैंडफिल साइट्स बनाई जाएंगी। अराजी की निशानदही के लिए 8 करोड़ रुपये मुख्तस।